हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये आर्मस्ट्रांग की फाल सीलिंग वर्क है जो कि टी ग्रिड सेक्शन में फिक्स होती है। 2x2 की ये सीट रहती है। ये काफ़ी लग्जरी और ब्यूटीफुल रहती है सीलिंग वर्क में, और काफ़ी कॉमन हम ऑफिस और लैब्स और कॉलेज स्कूल्स में यूज़ करते हैं। तो आज इसका कंप्लीट डिटेल्स और एस्टिमेट मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पिन होल्स की आर्मस्ट्रांग कंपनी की फाल सीलिंग सीट है। और अब हमारा जो कि माल डंप हो चुका है वर्क के लिए, इसमें हम जो स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो केरोक्स की है। ये स्ट्रिप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम एसेस में रहती है, मिक्स में पॉलिश्ड रहती है बाहर। ये टी ग्रिड बोलते हैं इसको, टी सेक्शन। इस पर बोथ साइड पे जो हमारी फाल सीलिंग सीट है वो फिक्स होती है, और इसका जो फिक्स है वो इजीली इंस्टॉलेशन है। लेकिन जो हम ऊपर इंस्टॉलेशन करते हैं इसको जीआई वायर्स के हेल्प की मदद से करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जीआई वायर भी है। और छोटे वाले जो स्मॉल एंकर फास्टनर आते हैं, और उसको हम सीलिंग पर फिक्स करते हैं, उसकी मदद से हम इसको हैंगिंग करते हैं सीलिंग पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सीलिंग से 8 इंची डाउन पर चारों तरफ हमारा जो एल एंगल है उससे हमने मार्क कर लिया है लेवल, और एंकर फास्टनर और जीआई वायर्स प्लेस्ड कर लिए हैं टी सेक्शन को हैंग करने के लिए। और ये हमारी जो रही आर्मस्ट्रांग की फाल सीलिंग है जो कि पिन्स होल्स में अवेलेबल है। ये इसमें ग्रुप वाली भी आती है, और ये हमारे पास प्लेन में है। इसकी थिकनेस करीब 12 mm ली गई हुई है, और 600x600 mm में ये सीट है। इसका एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये इको साउंड प्रूफ रहती है, और मॉइस्चर कम कंटेन करती है, ह्यूमिडिटी भी कम करती है। और कॉन्फ्रेंस रूम में, जैसा कि अभी हम लगा रहे हैं, हमारा जो कॉन्फ्रेंस रूम का एरिया है करीबन 35x30 feet में है। और ये आप देख पा रहे होंगे ये डिटेल से उसकी 12 mm थिकनेस में 600x600 की आर्मस्ट्रांग सीट। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे अनिल भैया हैं, इन्होंने सीट को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। ये सीट फिक्सिंग में काफ़ी इजी है, इजी टू इंस्टॉलेशन है। बस इसमें थोड़ा सा स्किल्ड लेबर्स और मैन पावर्स की ज़रूरत रहती है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं अनिल जयसवाल जी, काफ़ी अच्छा काम करते हैं सीलिंग का, और ये श्याम भैया और उनकी टीम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीट काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो रही है। अब मैं इसकी जो स्ट्रिप्स है, बस उसमें थोड़ा सा डिटेल्स रहता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और चैनल्स पे आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए आपको इसकी स्ट्रिप्स जो टी सेक्शन में है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो हमारा टी सेक्शन की ग्रिड चैनल है वो एक हमारी 600 है, दूसरी 1200, और जो तीसरी है वो 3000 mm है। मतलब कि इसमें 2 फिट 4 फिट और 10 फिट की टी सेक्शन स्ट्रिप है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको ये भैया इंस्टॉल करके बताएंगे हैंगिंग करके, इसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्टिकल्स है उसको हम 10-10 फिट वाली एक साथ लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल में हम एक छोड़ के एक गाले में हम 4 फिट वाली इंस्टॉलेशन करते हैं, और 2-2 फिट वाली जो हमारे स्मॉल एरियाज रहते हैं उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अभी भैया अभी ये 4 फिट वाली स्ट्रिप लगा रहे हैं, फिर इसके आगे एक और एक गाला छोड़ के अगले वाले में 4 फिट की लगाएंगे, और जो छोटा स्मॉल एरियाज है उसमें 2-2 फिट वाली स्ट्रिप, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ईजी फिक्स हो रही है। और ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, अभी इसमें हम एसी भी लगाएंगे, प्रोजेक्टर भी लगाएंगे, 2x2 की सीलिंग लाइट्स भी लगेगी। तो काफ़ी लग्जरी आइटम्स रहता है ये, और काफ़ी हमारा अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम बन के निकल कर आएगा। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब आप हमारा नेक्स्ट डे वर्क देख रहे हैं, जो कि काफ़ी हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा एरियाज। इसमें कॉर्नर्स में जो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कम एरिया है, उसमें हम ये स्ट्रिप कटिंग डाल देंगे, इसमें फिक्स कर देंगे, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके रेट पर स्क्वायर फिट की बात करूं तो इसमें काफ़ी डिफरेंट्स ऑफ सीट्स आने लगी है आजकल मार्केट में। ये हमारी जो सीट्स है ये कॉलेज और स्कूल्स में कॉमनली यूज़ होती है वो वाली है,
और रेट्स का और लेबर्स का चार्ज अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो सकता है। ये हमारा करीब जो पर स्क्वायर फिट एरियाज है, ये हमारा जिस प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं ये करीबन 100 to 130 स्क्वायर फिट वेरी करता है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जल्दी मिलता हूँ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।